फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा लगातार लंबे समय से फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड को सेल में विलय करने की मांग की जा रही है, जिसे लेकर गुरुवार की शाम को कैंडल मार्च निकाला गया और अपनी मांगों को एक बार पुनः सेल तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड का सेल में विलय करने के लिए गुरुवार को प्रगति भवन सिविक सेंटर से कैंडल मार्च निकाला गया। सार्वजनिक उपक्रमों में रणनीतिक विलय के समर्थन में इस्पात बिरादरी के संयुक्त मंच से सेफी अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोड़, ओएबीएसपी महासचिव परविंदर सिंह, एफएसएनएल एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार झा, सीटू के महासचिव एसपी डे सहित अन्य श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने संयुक्त नेतृत्व में इस कैंडल मार्च को निकाला, जिसमें श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों सहित फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के कर्मचारीगण शामिल रहे। सभी ने एक सुर में निजीकरण का विरोध करते हुए रणनीतिक विलय की मांग रखी। बिरादरी पूरी आज यहां पे कैंडल मार्च में शामिल हुई है और सबका उद्देश्य एक ही है कि इस्पात उद्योगों में या हमारे जितने भी सार्वजनिक उपक्रम उनका निजीकरण बंद किया जाए और सभी अगर कहीं कुछ उसमें परिवर्तन के दौरान से तो हमारे जितने भी सार्वजनिक उपक्रम जिनका डिसमेंट का प्लान है उनको दूसरे बड़े प्लांट में मर्ज किया जाए या जॉइंट वेंचर किया जाए। हमारा उद्देश्य एक ही है, निजीकरण का विरोध और जितने भी इस्पात उद्योग है उनका उनको एक साथ मिलकर उनको एक विलय करके एक राजनीतिक विलय करके एक अच्छा राजनीतिक विलय के साथ एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना ताकि देश की इस्पात पूर्ति हर तरीके से हो पाए और देश की जनता को जो इस तरीके से इन सार्वजनिक उपक्रमों ने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ सके हम लोग और विश्व में बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में खड़े हो सके। लेकिन निजीकरण इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, निजीकरण से आम जनता त्रस्त होगी, देश के लिए ये विनाशकारी है, देश के लिए कभी भी हित में नहीं होता। राष्ट्र हित में एक ही है, देश में अगर इस तरह से इस्पात उद्योगों को चलाना तो उनका विलय किया जाए, राजनीतिक विलय ही इसका उद्देश्य है और इसीलिए आज पूरे अधिकारी संघ के यहाँ हमारा जिला इस्पात संघ का अधिकारी संघ, हमारे बिलासपुर संघ के सभी कर्मचारी संगठनों के हमारे नेता यहाँ उपस्थित हैं, एफएसएनएल के अधिकारी संघ उनके कर्मचारी के नेता यहाँ उपस्थित हैं और आज पूरी ये शुरुआत है। इसके बाद और भी हमारे दूसरे कार्यक्रम होंगे और हमारा उद्देश्य है कि हमारे आज एक उम्मीद है कि हमारे नए इस्पात मंत्री ने आज यहाँ ज्वाइन किया, उनको जिम्मेदारी मिली है श्री ज्योतिराज सिंधिया को, तो हम उम्मीद करेंगे कि वो इस निजीकरण के फैसले को, विनिवेश के फैसले को वापस लेंगे और हम लोग जो चाहते हैं रणनीति विलय करके सभी ऑर्गेनाइजेशन को बचाया जाए, इस्पात उद्योग बचा जाए और जो राष्ट्र हित में एक फैसला है, इस देश के हित में फैसला है, भिलाई के हित में एक फैसला है, पूरे देश के हित में एक फैसला है, वही एक फैसला है, रणनीतिक विलय, रणनीतिक विलय, रणनीतिक विलय और निजीकरण का विरोध, निजीकरण का विरोध। बहरहाल फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा श्रमिक संगठनों का साथ प्राप्त हो रहा है। देखना होगा कि फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड का सेल में विलय कब तक हो पाता है और कब तक इनकी स्थिति में सुधार हो पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।